बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में अलीना नाम की लड़की ने अपनी पसंद से की शादी, तो बदले में अलीना को ससुराल वालों ने दी मौत की सजा। लड़की के मायके वालों में मचा कोहराम, पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी। दरअसल आपको बता दें कि सिहारा के गांव चक महदूद शानी के रहने वाले अशरफ ने अपनी बेटी अलीना की शादी सिहारा के मोहल्ला शेखान में 6 महीने पहले ताहिर के बेटे तंजीम के साथ की थी। लड़की और लड़का एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों की पसंद से शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद से ही अलीना को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे और रोजाना उसके साथ मारपीट करते थे। लड़की के भाई ने बताया कि उसकी बहन से ससुराल वाले दहेज में 3 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की डिमांड करते थे। जब दहेज के भूखे ससुराल वालों की अलीना डिमांड पूरी ना कर सकी तो ससुराल वालों ने उसको तेजाब पिला दिया, जिसके बाद अलीना की हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद अलीना की मुरादाबाद के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। उधर जैसे ही परिवार को अलीना की मौत के बारे में पता चला तो घर में चीख पुकार मच गई। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने अलीना के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि लड़की के पिता ने 4 दिन पहले पिता सहित ससुराल के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल अलीना की इस दुखद मौत से गांव में गम का माहौल है। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम अदनान नाम है मेरा। जो लड़की की मौत हुई है, कौन लगती थी, कैसे हुई इनकी सर मौत? ये मेरी बहन है, इसकी शादी हमने 6-7 महीने पहले कर दी थी इसकी मर्जी से, लेकिन हम एग्री नहीं करते थे उससे जी। तो जब हमने इसकी शादी कर दी, हमें पता चला कि 2-4 महीने बाद इसको मारना पीटना उन्होंने दहेज के लिए शुरू कर दिया। इससे कहते थे 3 लाख रुपए ला के दे और एक मोटरसाइकिल ला कर दे। और सर इसमें उसकी इसकी जो नंद थी वो भी मारती थी, जेठ भी मारते थे। और सर इसको आप देखेंगे पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगी आप देखेंगे तो इतना मारा इसको, इसके हाथ तक काट दिए हैं बिल्कुल। और लास्ट में आकर के बोला कि अगर तू हमारी मांग पूरी नहीं कर सकती 3 लाख और ये, तो तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तुझे हम ऐसे नहीं रख सकते अपने। अच्छा, अब जो मौत हुई है इनकी कैसे हुई है? अब फिर सर इन्होंने एक एसिड अपने टॉयलेट में का इन्होंने अपना एसिड निकाला और एसिड निकाल के जबरदस्ती उसका मुंह खोल करके अंदर तक उसको एसिड डाल दिया। एसिड डाल करके हमें कोई बताया नहीं, कुछ नहीं खबर। और एसिड के ऊपर लड़की ने हमें जब हम अपने पास लेके आए तो उसने हमें बताया कि एसिड के ऊपर उन्होंने इसको गर्म पानी भी पिला दिया ताकि तुरंत मौत हो जाए, कोई इतना भी टाइम ना लगे। फिर हम सर इनको जब हमें पता चला, हम इनके पास गए कि भैया हमें थोड़ा सा दे दो, हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ से इसकी डेड बॉडी जाएगी, हम ऐसा नहीं देंगे आपको। पुलिस में तहरीर दे दी आपने? जी, पुलिस में तहरीर दे दी आपने? पुलिस में तहरीर दी थी मैंने, लेकिन मेरे वालिद साहब ने दी थी, लेकिन वो 8-10 दिन में हमें अब जाके रिप्लाई रेस्पॉन्स मिला, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गया। इतने में रात हमारी बहन की जो होती है वो डेथ हो गई। तो उस वक्त पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी? नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई इतनी नहीं की थी जितना उनको करना चाहिए था, जितना ही गंभीर मामला था। अब क्या चाहते हैं आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि यूपी में योगी सरकार है और वो कहते हैं कि उनकी सरकार में महिला बहुत सुरक्षित है। सर आप देख सकते हैं कि उस महिला का क्या अंजाम हुआ है। तो इंसाफ मिलना चाहिए आप? सर बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए और हम सर इंसाफ की गुहार लगाते हैं। और सर जो जिनके शादी हुई थी वो लोग हमें भी इनडायरेक्टली धमकियां देते हैं कि हम कसाई हैं, हमारे पास चापड़ छुड़ियां होती हैं,